नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। और आज की इस वीडियो में खास मैं आपको बताऊंगी छठ पूजा में सिंदूर का महत्व, साथ ही साथ महिलाएं किस किस रंग के सिंदूर लगा सकती हैं, और साथ ही साथ और भी अन्य ज़रूरी बातों के बारे में भी इस विषय में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर साल दिवाली से ठीक 6 दिन बाद महापर्व छठ का त्यौहार मनाया जाता है, और इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। और 4 दिनों तक के इस पर्व में महिलाएं अपने संतान और पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और तैयार होकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं। और इस पर्व में महिलाएं पूरी तरह से श्रृंगार कर पूजा करती हैं, और महिलाओं के श्रृंगार में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो होता है सिंदूर, जो हर शादीशुदा महिलाएँ लगाती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि छठ के इस महापर्व में सिंदूर कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं लाल रंग के सिंदूर के बारे में। तो हमारे देश में हिंदू विवाह के दौरान सिंदूर लगाने की रस्म शादी के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र रस्मों में से एक मानी जाती है, और कोई भी शादी इस रस्म को बिना किए पूरी नहीं मानी जाती है। और पौराणिक कथाओं की माने तो लाल रंग शक्ति का रंग माना जाता है, और सिंदूर को पार्वती और सती की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और हमारे देश में सती को एक आदर्श पत्नी के स्वरूप में माना जाता है, जिन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए अपना जीवन त्याग दिया था। और भारतीय घरों में सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है, और हर शादीशुदा महिला के माथे पर सिंदूर का मतलब होता है कि वो विवाहित है। और इतिहास के रूप में देखें तो भारत में सिंदूर पहनने की यह परंपरा हड़प्पा सिविलाइजेशन के ज़माने से चली आ रही है, और उस वक्त भी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती थी। और मान्यता थी कि जो महिलाएं जितना लंबा सिंदूर लगाती हैं उनके पति की आयु उतनी ही लंबी होती है, और इसी वजह से महिलाएँ उस समय से ही लंबा सिंदूर लगाती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि नाक से मांग तक के सिंदूर लगाने की मान्यता के बारे में। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि छठ पर्व के दौरान महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं, जो कि नाक से लेकर माथे के बीच तक लगाया जाता है। और छठ पूजा में लंबा सिंदूर लगाने के पीछे मान्यता है कि जो महिला सिंदूर बालों में भी छिपा लेती है उनका पति समाज में छुप जाता है और तरक्की नहीं कर पाता है, और साथ ही उसकी आयु भी कम हो जाती है। और जिसके कारण छठ के दौरान महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं, जिससे उनके पति की आयु के साथ साथ सम्मान और रुतबा भी समाज में बढ़े। और छठ में सिंदूर बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसका इस्तेमाल अर्घ में भी किया जाता है। और अर्घ भरने से पहले उसे सिंदूर लगाकर सजाया जाता है, साथ ही उसमें सिंदूर चढ़ाया भी जाता है। और बिहार में सिंदूर लगाने के पीछे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं, और ऐसे में यहाँ सिंदूर के कई रंगों का भी अलग अलग मान्यता है। और छठ पूजा के दौरान बिहार में 3 तरह के सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है सुर्ख लाल सिंदूर, दूसरा है पीला सिंदूर, और तीसरा है मटिया सिंदूर। तो आप पूजा के दौरान इन 3 रंगों के सिंदूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, साथ ही हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी सपोर्ट करेगा। हमें आप सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।